कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वही चला है रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जो बापे जो मोह माया। फाइनली भाई अभी अपना ट्रेन मिल गई हमको, 12:45 हो रहे हैं अभी, तो निकल चुकी है ट्रेन अपना, तो अभी ये कम से कम पहुंचेगी 45 घंटे में निजामुद्दीन दिल्ली। तो अब 45 घंटे तक इसी में सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जिस टाइम आए थे वो थी राजधानी, उसने हमें छोड़ दिया था 33 घंटे के अंदर ही, बट अभी हमको इससे जाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। कल रात तो हम लोगों ने क्या कह रहा है उसका, संपर्क क्रांति करके है, क्योंकि फिलहाल तो भाई कल दिक्कत हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और रूम वगैरह लिया था तो वहीं पे सोना पड़ गया। अभी देखो क्या होता है, और अरेंजमेंट आगे जाके करने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू भी अभी हमारा वहाँ पे जाके, तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा हमको, क्योंकि पाँचों के पाँचों ऐसे ही है भाई, बेकार अभी फिलहाल, तो देखते हैं अभी फिलहाल। ये रे, हेलो गाइस, और आनंद भाई मजा आ रहा है भाई, मजा ही आता है तेरे को हमेशा है, अप डाउन करने बहुत मजा आ रहा है। बेंगलोर जाओ, बेंगलोर से दिल्ली वापस आओ, फिर दिल्ली से बेंगलोर आएंगे, फिर दिल्ली से बेंगलोर वापस आएंगे, दोबारा वापस आएगा, फिर आएंगे। अब क्या करने आएगा, क्योंकि क्लाइमेट इसका अच्छा है, वेदर बहुत फाइन है भाई यहाँ का, भाई व्यू दिखा दे भाई, व्यू देखो, नारियल है भाई, इधर नारियल के पेड़ बहुत है भाई, देखो पूरे में नारियल की खेती करती है। जैसे पंप हाउस वालों ने हमारे साथ किया वैसे उनके साथ कर ले हैं, अब हम जब बेंगलोर आएंगे, जब हम पंप हाउस के गेस्ट बन के आएंगे, पंप हाउस के गेस्ट बन के, हाँ, तो तभी उनको ट्रीट करना है जैसे उन्होंने ट्रीट किया, सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। लेकिन भाई गलत किया काफी ज्यादा है हम लोगों, बहुत ज्यादा ब्रो, बहुत ज्यादा, हमारे फ्यूचर के साथ सारे लोग खेल रहे हैं, हमारा शेफ जो है वो मेंटोर कॉलेज वाले वो भी खेल रहे हैं, हमारा पूरा कॉलेज और जहाँ पे हमारी जॉब लगी थी, मतलब इंटर्नशिप जो हुई थी हमारी, वहाँ पे भी सब लोग खेल रहे थे, वहाँ पे कोई भी स्किल्ड पीपल नहीं था, कोई भी ट्रेंड पर्सन नहीं था, ना कोई डिप्लोमा था, ना कोई, पहली बात तो जहाँ के लिए हमको भेजा गया था वहाँ हम लोगों को काम दिया नहीं गया, हम लोग को भेजा गया था पंप हाउस के लिए, बट यहाँ पे किसी और ब्रांच में लगा दिए, हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बोल के क्लाउड किचन में काम दे रहा, जो कि अभी सही से स्टार्ट भी नहीं होता, जोमेटो और स्विगी पे वहाँ पे काम चल रहा है सिर्फ, तो मतलब कि रीजन यही था वहाँ से क्विट करने का हमारा, कि अभी हम लोग का स्टडी का पार्ट चल रहा है, जो कि पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी सही से वहाँ पे, टाइम ही नहीं मिल रहा था, 16-16 घंटे काम करवा रहे थे, पढ़ेंगे कब, ये भी दिक्कत थी। क्योंकि भाई देखो अभी अभी हमारे मन में क्या था, हम लोग यहाँ पे आए थे कि कुछ अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पढ़ाई का ही एक तरह से वो चल रहा था, तो कि अच्छे से सीख पाएंगे, कहीं इन फ्यूचर हमें जॉब मिलेगी तो हम इंटरव्यू भी अच्छे से दे पाएंगे, बट सबसे मेन दिक्कत क्या हो रही थी कि एज अ लेबर तो एक तो वर्क करा रहे थे हमको, उसके बाद में हम जो चीज़ सीखने के लिए आए थे वो सीख भी नहीं पा रहे थे, और सबसे मेन पॉइंट तो ये था कि हम जिस ब्रांच के लिए आए थे, जो द पंप हाउस मेन ब्रांचेस की सिटी में, उसके लिए तो हमको वहाँ पे बुलाया ही नहीं, वहाँ से हमको बीच रास्ते में आते में हमसे कह दिया कि आपको यहाँ नहीं दूसरी ब्रांच में आना है, कि दूसरी ब्रांच में आपको शिफ्ट किया जाएगा, ओपनिंग हो रही है, जॉब देंगे, मतलब कि पूरा पिघलाने की कोशिश की। तो अभी हम वहाँ चले गए, जाने के बाद में देखा, मैंने आपको दिखाया भी और वीडियो में, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी पूरी की पूरी, उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, और क्लाउड किचन उन्होंने ओपन की हुई थी, अपना क्लाउड किचन भी हमको लगा दिया, बस लालच ये दे रहे थे, अरे आपको जॉब देंगे। हम IHM के स्टूडेंट हैं, पढ़ने के बाद में गए थे वहाँ पे, आते जाए तो किसी के पास में डिग्री नहीं थी, सब बस ऐसे ही अपना काम वाम इधर से सीख सा क्या है, और एग्जीक्यूटिंग शेफ थे HM करके, बाद बाकी जितने भी शेफ जो बने हुए थे कॉमी 1 कॉमी 2 कॉमी 3 सारे अनएजुकेटेड थे, तो वही अनएजुकेटेड पर्सन के साथ में रहने के बाद मतलब कैसे हमको सीख पाते, इसीलिए हमको क्विट करना पड़ गया, ना उनमें कोई ऐसा विशेष ऐसा कोई बढ़िया स्किल था, ना कुछ ऐसे वो टैलेंटेड थे, और गालियां अलग देते थे वो, तो वही अभी रीड गलत करते थे हम लोग, अभी लगा लो हमको यहाँ पे अप्रोक्स 10 दिन हो गए थे बेंगलोर में, बड़ी मुश्किल से कटे थे हमारे ये दिन, अब जा रहे हैं भाई दोबारा से वापस, अब क्या कर सकते हैं, देखो रात भर परेशान रहे थे पूरा, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, इधर उधर से अरेंजमेंट कराया था कि टिकट कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं, 45 घंटे हमें लगेंगे अप्रोक्स जाने में अभी,
तो बस यही है, अब क्या कर सकते हैं। खैर अभी चल रहे हैं अपना दिल्ली, वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे दोबारा से। फिलहाल 45 घंटे तो अपना ट्रेन में बिताना ही बिताना है। फिलहाल खुशी इस बात की कि अब अच्छी जगह जाएंगे, माइंड डाइवर्ट नहीं करना, पहले हमारा कर दिया माइंड डाइवर्ट, दूर भेज दिए थे जितना, वो घर से हम नजदीक हो जाएंगे। हाँ थोड़ा घर के पास भी रहेंगे तो इशू इतने नहीं होंगे अपना। चलो खैर रोटियां तो मिलेंगी, कोई भी इशू हो रोटियां तो मिलेंगी। यहाँ पर रोटियां नसीब नहीं हुई 8 दिन से भाई, रोटी भी नहीं मिली। चलो खैर रोटी का एक बार को चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बट इन फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर हम यहाँ से टिक भी जाते कि आपको भाई करना है तो करके। चलो खैर अब जो भी है, चलो चलते हैं अपना दिल्ली वापस। दिशाहारा कैमन बोका मोंटार प्राण पाखी मोर ई राजा खाचा भेंगे पीरित बड़ो जाला रे बड़ो जाला।